मुझे बनना स्टार बनना है प्रॉपर स्टार बनना है अपना जैसे शाहरुख सर है आपके फैंस का एक मुझे मैसेज आया था कि आप उनको रिप्लाई नहीं करते बहुत बार डीएम में आई नो बहुत डिफिकल्ट होता होगा वैसे फैन के ज्यादातर आपके लिए सवाल या मैसेजेस क्या होते हैं <laughs> <laughs> ये तो मुझे जानना है <laughs> एक होता है कि गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और वैसे आप फूडी भी हो होगा गर... मम्मी के हाथ का खाना क्या नॉन वेज वेज बिरयानी मुझे ओवरऑल सब जगह की अच्छी लगती है थैंक यू सो मच कैसे हो आप I'm good, आप आप बताइए बस कैसे चल रहे हैं बढ़िया चल रहे 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 हैं 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 आपके आपके बढ़िया एकदम जैसा कि देख को काफी मतलब yeah. रहे, ने रहे, okay. का नाम है शाम को आप क्या करते हो <laughs> मैं शाम को क्या करता हूँ मैं शाम को जागता हूँ क्या करते हो नींद से जागता नींद से जागते हो और उसके बाद उसके बाद काम करता हूँ मतलब मॉर्निंग में सोता हूँ शाम को जागता हूँ और उसके बाद पूरी रात जा काम करते हैं कोई ऐसा कुछ रीजन है कि रात को ही काम करना है उस वक्त ना वाइब में रहते हैं एकदम और सब गाने वाने अच्छे बनते हैं और सुन रहता है सब एकदम तो और अच्छे से काम होता है सक्सेस आपने वो एक्सपीरियंस किया तो मतलब काफी भारी शब्द है सक्सेस जितना बोलने में, में उतना ही भारी शब्द है तो बहुत डिफिकल्ट है ना सक्सेस मैनेज करना मैं मानता नहीं हूँ पहली बात तो कि सक्सेस मिली है कभी भी नहीं मिल सकती वो उसके पीछे भागना ही पड़ेगा हमेशा मिलने के बाद भी और ये बिलीव करना पड़ेगा कि अभी नहीं मिली है और मैनेज करना उतना मुश्किल है नहीं अगर आप सोच सकें उसको उस तरह से कि मुझे इसको माइंड नहीं करना है मुझे अपने आर्ट पे काम करना है अपने पैशन पे काम करना है तो वो वैसे भी दिमाग में नहीं आएगा बट वैसे लाइफ में कितने चेंजेस आए आए हैं यही जैसे डेली रूटीन चेंज हो गया है और इतना सारा लोग प्यार देते हैं और लॉयल फैंस हैं इतने अच्छे और हर गाने को सुपर हिट बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एक ऐसी कोई चीज़ है जो आप अभी कर नहीं पा रहे हो आफ्टर सक्सेस नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं पहले कर सकता था मैं अभी सब कर सकता हूँ वैसे आपका एम क्या है लाइफ का प्रोफेशनली पर्सनली मुझे इंटरनेशनल म्यूजिक में ग्रो करना है सभी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना है और बस अच्छे गाने करने हैं लेगेसी वाले गाने जो आज के सौ साल बाद भी लोग याद करें वैसे जब आपका मैंने शो फॉलो किया था पूरा विद माई फैमिली तो मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट वो था आई थिंक अक्षय सर का एपिसोड था रक्षाबंधन वाला राइट मैंने आपने स्टेज पे बोला था कि आपको आपके फैमिली के लिए ये करना है बहन के लिए ये करना है तो फैमिली यू you नो know, हाँ। सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है पूरी फैमिली सपोर्ट करती है मॉम बहनें और मेरे मामा जी हमेशा मेरे साथ रहें हमेशा सपोर्ट करते हैं और सबका सपोर्ट था इसीलिए ये कर पाया हूँ और उनके लिए जितना कुछ हो सके सब करना चाहता हूँ वैसे अब शांत तो ऐसे ही रियल लाइफ में भी बहुत ही काम की मतलब है मस्ती वाली साइड थोड़ी है मस्ती वाली साइड भी और शांत भी हूँ और वैसे क्या मस्ती चलती रहती है ज़्यादा टाइम अब तो वैसे बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं बस हाँ मीम्स बहुत भेजता हूँ मैं आपके फैंस का एक मुझे मैसेज आया था कि आप उनको रिप्लाई नहीं करते बहुत बार डीएम में कमेंट्स अब रिप्लाई करते हो बट डीएम चेक नहीं कर पाते कि मैं अगर एक को करूँगा वो स्टोरी लगाते हैं फिर वो खुश होते हैं तो सबको बताते हैं और बाकी फैंस पर नाराज़ हो जाते हैं और इतने सारे मोर देन टू लैक्स फैन पेजेस मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा करेक्ट <laughs> मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता तो हाँ मैं लाइव आ जाता हूँ जब भी मुझे सबको रिप्लाई करना होता है और वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं मैं जवाब देता हूँ वैसे फ़ैन के ज़्यादातर तो आपके लिए सवाल या मैसेजेस क्या होते हैं <laughs> ये तो मुझे जानना है <laughs> एक होता है कि गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं एक एज पूछते हैं एक एक होता है कि क्या होता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है हाँ। और ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं बस गर्लफ्रेंड का तो बहुत लोगों ने आपको पूछ लिया इंटरव्यूज में पूछ लिया है मैं नहीं पूछने वाला हूँ बट मुझे आपसे जानना है बट उसके पहले आपके लिए केक अरे क्या आप इंटरव्यू के टाइम भी खा सकते हो प्रॉपर डाइट चल रहा है <laughs> नहीं नहीं तो <laughs> हाँ तो बहुत आपसे लोग सवाल पूछते गर्लफ्रेंड के बारे में नाम बताओ है नहीं है वो मैं नहीं पूछने वाला हूँ वो आपकी पर्सनल लाइफ है बट मुझे ये जानना है कि प्यार क्योंकि आपने तो रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाए हैं तो वॉट इज़ लव फॉर यू प्यार का मीनिंग है आपके लिए सीरियसली मुझे नहीं पता <laughs> और ये चीज़ें वो हैं जो लाइफ में आगे एक्सप्लोर होगी ये नहीं पता होता है किसी को भी और मैं जस्ट जब भी गाता हूँ तो मैं म्यूज़िक को फील करके गाता हूँ तो उस वजह से फील आता है कोई भी ऐसे गाने में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आया है कोई भी एक इंस्पिरेशन होता है ना एक इमोशन फील होता है मतलब हाँ मैं सीनारी क्रिएट करता हूँ मन में जब मैं कोई गाने को देखता हूँ या उसकी सिचुएशन देखता हूँ तो मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं करता हूँ कि मैं यहाँ होता तो मैं कैसे मैं क्या कहता मेरे क्या एक्सप्रेशन होते तो वैसे वॉइस होती है फिर वैसे आपके फैमिली के लिए आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आपने गाया अब तक कभी शाम ढले वो अभी तक आपका फेवरेट बन चुका है फैमिली राइट एंड एक्सेप्ट फॉर दैट उसके अलावा मेरे लिए जो मेरा सबसे पहला ओरिजिनल सॉन्ग था और आपके लिए एक्सेप्ट फॉर शाम डल <laughs> <laughs> कभी शाम डली तो वैसे है ही क्योंकि अभी तक का मेरा फेवरेट सबसे वही था बट आपने अभी उसके अलावा पूछा है तो मेरे लिए आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आपको आगे जाके अगर प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो शाहरुख सर और सलमान सर के लिए राइट right. शाहरुख सर का और सलमान सर जो आपका करंट फेवरेट है अभी ये आप सुनते हो ऑन रिपीट अभी जवान मूवी के गाने जो है शाहरुख सर की ये बहुत सुन रहे थे और में दिल फना है ओ चले आ, तेरी और तेरा ये मैं बहुत सुन रहा हूँ और और अभी सलमान सर का तेरे मस्त मस्त दो गाइस एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कमान। तो ये आपके करंट फेवरेट है मतलब हमेशा आप सुनते ही रहते हो ये है और आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं उनके डेफिनेटली कौन सी फेवरेट आपके सलमान सर की मूवी शाहरुख सर की मूवी शाहरुख सर की मेरी डेफिनेटली अभी जवान मैंने देखी और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट ही पहली बार देखा और शाहरुख सर डेफिनेटली ग्रेट एक्टर तो पठान और जवान में सबको जवान बेटर लगी पहले पठान अच्छी लगी थी बट जवान के आने से मैं पठान भूल गया अभी डंकी और ज़्यादा बेटर लगेगी हाँ हो सकता है और अब सलमान सर की सलमान सर की तो बहुत सारी मूवीज़ मेरी फेवरेट है यानी कि उनकी तो ऐसे है लिस्ट पूरी पूरी क्योंकि दबंग दबंग टू और ये सुल्तान 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 बजरंगी भाईजान मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है लोग आपके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो आपकी हॉबीज़ क्या है मतलब आप फ्री टाइम में क्या करते हो फ़ोन चलाता हूँ इंस्टाग्राम हाँ इंस्टाग्राम वेब सीरीज़ देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे या ओ पे और मतलब अभी तो मैं वही करता हूँ बट रियल हॉबीज़ के बारे में बात करूँ तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ करता हूँ मैं स्केच करता हूँ ड्राइंग करता हूँ मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत हूँ और मैं मतलब सारी स्किल्स पे ध्यान देता हूँ द... मैं एक्टिंग भी ट्राई करता हूँ और म्यूज़िक के अलावा मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करता हूँ मैं कंपोज़ भी करता हूँ लिखता भी हूँ तो ऑलमोस्ट सब कुछ एक्टर बनेगा एक सपना नहीं है बट राइट टाइम पे जब टाइम आएगा तब Right. और वैसे आप ही भी होगा गर... मम्मी के हाथ का खाना क्या नॉन वेज वेज आ, वैसे तो वेज ज़्यादा बट नॉन वेज में एक डिश है जो वो सबसे फेवरेट है मेरी उसको कहते हैं धुआँ चिकन तो वो मम्मी बनाती है और वो बहुत पसंद है बाकी बिरयानी मुझे ओवरऑल सब जगह की अच्छी लगती है और बाकी मतलब बिरयानी तो ऑल टाइम फेवरेट है कभी भी हाँ कभी भी कहीं भी चैलेंजेस तो आए होंगे एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी श्योर तो वो अप्स एंड को आप मैनेज कैसे करते हो आपने हैंडल कैसे किए वो मैं बस आठ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा होना चाहिए व्यूज़ वगैरह अपने आप आ जाएंगे बट कभी ऐसा एक मोमेंट है कि भाई हो गया मतलब मेरे से नहीं हो रहा है एंड देन यू आर लाइक कि अभी भाई कर लिया मैंने नहीं कभी भी नहीं मतलब हो सकता है कि आ, आने वाला हो बट मैं उससे पहले ही रेडी हो गया कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है मैं थोड़ी हार मानता हूँ क्योंकि मैंने जो रियलिटी शोज़ करे बहुत ज़्यादा तो मैं सब में पहले निकलता था एलिमिनेट हो जाता था और आगे नहीं बढ़ पाता था और दो शो में तो मैं रनर अप बन के आया था तो एक रनर अप बना दूसरे में दोबारा रनर अप बना तब मुझे लगा अरे यार मैं फिर से रनर अप बन गया तो तब मुझे प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद मैं दो साल का गैप लिया और मैं सुपरस्टार सिंगर में आया बड़ो जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो दो साल की जो एक हाँ एक्चुअली वो वॉइस चेंज हो रहा था और डीमोटिवेशन बहुत हो रहा था कि ये लोग कह रहे थे अच्छी आवाज़ नहीं हो रही है ये कैसा गा रहा है गाना भूल गया पर जब वॉइस चेंज हो गई तो बहुत अच्छी आवाज़ बन के आई ऐसे टाइम पर तो फैमिली तो हमारे साथ होती है बट ऐसे टाइम पर आपके दोस्त भी ऐसे कोई जो आपके सपोर्टर बन के रहे मेरे इतने दोस्त हैं नहीं शुरू से मैं इंट्रोवर्ट बहुत हूँ मतलब मैं सही था मतलब कम कम बात कर रहे हो हाँ टाइप था इंट्रोवर्ट <laughs> जब से रियलिटी शोज में फिर मैं आने लगा तो तब से मैं एक्सट्रोवर्ट हो गया क्योंकि मैं इतने लोगों से सोशलाइज हो गया और मैंने फिर होस्टिंग वगैरह भी की थी तो हो गया मैं तो थोड़ा आप, आप, हो सकते हो आप तो खुद आर्जिए हो ना हाँ, मेरा भी ऐसे ही जर्नी मैं भी काफ़ी इंट्रोवर्ट था तो थोड़ा इसमें आके फिर मिर्चे में आके थोड़ा मेरा जर्नी चेंज हुआ फिर उसके बाद वैसे हुआ और उसके बाद में मेरे वैसे ज़्यादा दोस्त है नहीं तो फैमिली ही है जो मोटिवेट करती है और उनसे मोटिवेट हुआ फिर शो में गया शो में भी डी मोटिवेटेड गया था लेकिन जब ऑडिशन वीडियो वायरल हो गया लोगों ने इतना प्यार दिया तब मुझे वापस से कॉन्फिडेंस आया था मैंने सारे शोज़ किए है सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या थी शोज रियलिटी शोज़ के बारे में वो है एक तो स्टेज का डर कि ऑन द स्पॉट आपको नहीं पता क्या होने वाला है hmm. आपको भी नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या गाने वाला हूँ कैसा निकलने वाला है और आ, तो वही है कि जब मैं स्टेज पे आता था तो मेरे को यही डर था कि अब एक भी सुर ना जाए और वो सबसे चैलेंजिंग होता है क्योंकि इतने लोग होते हैं इतना डिस्ट्रैक्शन होता है सामने जजेस बैठे हैं और इधर अलग कंटेस्टेंट्स अलग बातें कर रहे हैं ऑडियंस सब अलग सोच रही है मैं इधर स्टेज पे अकेला खड़ा हूँ उधर म्यूजिशियंस हैं और सबकी तरफ़ ध्यान जाता है तो उसको फोकस करना सबसे चैलेंजिंग है जैसे जैसे मैं बोला था कि आपकी पब्लिक लाइफ भी है पर्सनल लाइफ भी है और प्रोफेशनल लाइफ भी है ये तीनों में स्विच करना डिफिकल्ट है ये मैंने कभी नोटिस किया नहीं था आपने करवाया है हाँ, <laughs> मैं... <laughs> अभी आपके दिमाग में रह गए हाँ लेकिन मैं, मैं तो इसको एक लाइफ।, लाइफ की तरह लेता हूँ कि मेरी एक लाइफ है जिसमें मेरा प्रोफेशन भी है और मेरी पब्लिक भी है और मेरी पर्सनल स्पेस भी है सिंगिंग के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा जैसे होता है ना कि मुझे ये चीज़ अपने बारे में इम्प्रूव करनी है या ये चीज़ सुधारनी है वैसे कुछ है आपके लिए ओवरऑल सब चीज़ें टॉप पे जो चीज़ है एक सोच रहा हूँ भाई <laughs> मैं जितना सोचने में मजबूर कर रहा हूँ इनको सभी चीज़ें हैं मुझे लगता है मैं सब में और अच्छा होना चाहिए अभी और जो भी चीज़ें मैं करता हूँ मैं गाता हूँ तो गाने में भी और अच्छा होना चाहिए लिखता हूँ तो लिखने में भी और अच्छा होना चाहिए अगर आपको ऐसे के ऑप्शन मिले कि आप टाइम में पीछे जा रहे हो और आपको खुद को एक एडवाइस देना है पीछे जाके टाइम ट्रैवल करके तो क्या बताओगे आप मैं खुद को बोलूँगा क्या करूँगा यार मैं मोटिवेट करूँगा खुद को मैं खुद को बस यही बताने जाऊंगा फ्यूचर अच्छा है सही जा रहे हो <laughs> जाते रहो <रहूं> बस <laughs> अगर आपकी एक लाइफ एक मूवी टाइटल होती ठीक है कोई भी तो क्या होता हो <laughs> <laughs> मैं इतना आ... देखो ऐसे सवाल किसी ने पूछे नहीं होंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल तो दिल्कुल, ये दिल्कुल। मैं रिसर्च कर करके आया हूँ प्रॉपर मुझे स्टार बनना है प्रॉपर स्टार बनना है मतलब हर तरह से स्टार बनना जैसे शाहरुख सर है तो किंग जिनको बोलते हैं किंग तो मैं टाइटल यही देना चाहूंगा स्टार जाने से पहले आपके जो इतने सारे फैंस हैं जो वीडियो देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं कोई भी मैसेज आपके जी आर्मी है मैसेज थैंक यू सो मच आप इतना प्यार दे रहे हैं गाने को इतना स्ट्रीम कर रहे हैं इतने व्यूज़ और इतनी रील्स बना रहे हैं तो ऐसे ही प्यार देते रहें बल्कि मैं तो कहूँगा बढ़ा दीजिए इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दीजिए गाने को और उतने ही ज़्यादा रील्स बनाइए स्ट्रीम कीजिए यूट्यूब पे लाइक कमेंट शेयर कीजिए मुझे टैग कीजिए हर जगह और Uh, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अपना कंटेंट मुझे टैग करते हैं और मैं देखता हूँ कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है लव यू ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू यार